हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की न्यूज़ एक बहुत ही ऐतिहासिक न्यूज़ है और वो है श्रीनगर के ऐतिहासिक हरी पर्वत किले में लगाया जाएगा 100 फीट लंबा तिरंगा। 100 फीट टॉल ट्राई कलर टू बी इंस्टॉल्ड एट श्रीनगर्स हिस्टोरिक हरी पर्वत फोर्ट। देखिए, एक इतनी बड़ी न्यूज़ है जो श्रीनगर में, देखिए, जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी कसमकश चल रही है। बट उसके बाद एक ऐसा पल है जो अभी इस अगस्त चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, यहाँ पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा और वो भी यहाँ के ऐतिहासिक हरी पर्वत किले पर। देखिए, यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो में हम श्रीनगर के इस ऐतिहासिक किले के बारे में, कब बना, किसने बनाया और इसकी क्या क्या ऐतिहासिकता है। तो पूरी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए एंड तक। अगर देखिए आपको ये वीडियोस, ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, ये व्यू है हरी पर्वत किला श्रीनगर का। इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट विल अनवील ए 100 फीट ट्राइकलर एट द हिस्टोरिक हरी पर्वत पोर्ट इन श्रीनगर। द ट्राइकलर विच हैज़ बीन मेड इन ए रिकॉर्ड टाइम विल बी डेडिकेटेड टू द कंट्री ऑन अगस्त 10। देखिए, 10 अगस्त को ये कंट्री को डेडिकेट किया जाएगा। द ट्राइकलर इज टोटेड टू बी द टोलेस्ट फ्लैग इन कश्मीर एंड इट्स फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड ऑन February 7, 2021। देखिए, 2021 फरवरी 7 में इसकी जो फाउंडेशन स्टोन है वो नींव रखी गई थी और ये कश्मीर का सबसे ऊंचा तिरंगा होने वाला है 100 फीट का। इरेक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द फ्लैग वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर परमिशन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए, जो हरी पर्वत है एक्चुअली ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंडर में आता है, तो उनसे परमिशन लेके आर्मी और सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड ने ये कॉन्स्ट्रक्ट किया है। इट्स क्रिएटर्स बिलीव दैट द फ्लैग कुड बिकम ए टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गुलमर्ग एंड मे इमर्ज एज द न्यू लैंडमार्क इन द पिक्चरस्क रीजन। देखिए, मेन चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए, गवर्नमेंट को या इनके क्रिएटर्स को क्या है कि गुलमर्ग इलाके में इससे क्या होगा, एक अट्रैक्शन का केंद्र बनेगा और यहाँ पे टूरिस्ट के लिए एक बहुत ज़्यादा घूमने के लिए चांसेस बन सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों की यहाँ पे उनकी आर्थिक समृद्धि भी होने लगेगी। द चेयर वॉज अप्राइज्ड दैट फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू होस्ट ए बिग साइज फ्लैग एट हरी पर्वत फोर्ट एट द हाइट ऑफ 100 फिट हैविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ 24 फिट इंटू 36 फिट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है, हमने सबने अपने फ्लैग के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आपको पता हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, ये होता है 3:2, लेंथ 3, ब्रेथ 2। इस रेशो में ये होता है कि अगर जो इसमें लिखा है 24 into 36, का मतलब क्या है, ये 24 है ब्रेथ एंड लेंथ जो है इसकी 36 है। तो जो हमारे झंडे का डिज़ाइन है उसमें यही है कि इसको 3:2 रेशो में बनाया जाएगा। तो 24 feet into 36 feet का ये इसका फ्लैग का साइज होगा। अब इसके लिए क्या है, किन किन से परमिशन ली गई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, UT जम्मू एंड कश्मीर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टूरिज्म डिपार्टमेंट। अब देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए जहाज़ वगैरह उड़ते हैं तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको कोई इशू तो नहीं है, उनके कोई ड्रोन वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि भाई पुरानी चीज़ें हैं, हमारी धरोहर है तो इसमें हम कुछ करेंगे तो उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। हरी पर्वत इज ऑल्सो नोन एज, देखिए, कुहू ए मारन लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। देखिए, श्रीनगर में डल लेक के पश्चिम में ये स्थित है। द फोर्ट इज मेंटेड बाई ASI एंड स्टिल स्टैंड्स इम्प्रेसिव विद ओल्ड अपार्टमेंट्स एंड टॉल पिलर्स। द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ साइट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1590। देखिए, 1500 में अकबर ने ये कॉन्स्ट्रक्ट
किया था फर्स्ट पहली बार। और जो यहाँ के गवर्नर रहे हैं 1808 में, गवर्नर अत्ता मोहम्मद खान, इन्होंने इसकी जो वाल है, जो फोल्ट की दीवार है, उसको बनाया था। ए विजिट टू द फोर्ट नीड्स परमिशन फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसीज। देखिए, जो यहाँ पे घूमने आएगा उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये जो फोर्ट है अंडर CRPF है, CRPF इसकी रक्षा करती है। तो द इवेंट इज सिलेटेड टू टेक प्लेस डेज आफ्टर द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विच रिवोक द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 5 अगस्त 2019। देखिए, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, तो उसकी सेकेंड एनिवर्सरी पर ये बात बोली गई है। अर्लियर टूडे PDP, अब देखिए, अब श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में कुछ इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो PDP है या जो वहाँ पे अभी सत्ता में थी महबूबा मुफ्ती, वो कुछ नहीं बोलेंगी। तो उन्होंने बोला है कि 5 अगस्त जो है वो हमारे लिए क्या शोक दिवस है, मॉर्निंग डे इन जम्मू एंड कश्मीर, और BJP इसको मॉर्निंग डे की जगह क्या बना रही है, खुशी का दिन बना रही है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। टुडे इज़ अ डे ऑफ मॉर्निंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर। BJP गवर्नमेंट स्टार्टेड ऑपरेशन बारबरिज्म इन 2019। इट अनफॉर्चुनेट डैट BJP इज सेलिब्रेटिंग वाइल कश्मीर इज मॉर्निंग। देखिए, इसमें यह है कि BJP तो खुश हो रही है, पार्टी मना रही है, सेलिब्रेट कर रही है, जबकि हमारे लिए शोक का दिन है। वी विल रेजिस्ट दिस, हम इसका विरोध करेंगे। वी विल फोर्स गवर्नमेंट टू स्पीक टू पाकिस्तान टू एड्रेस एक्सटर्नल डायमेंशंस। अब देखिए, ये एक इलॉजिकल टोटल बात है। वी विल फोर्स गवर्नमेंट टू स्पीक टू पाकिस्तान टू एड्रेस एक्सटर्नल डायमेंशंस, कि भाई क्या क्या इनका हिसाब है, क्या क्या किताब है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, पाकिस्तान से बात करो। यही सबसे बड़ी हमारे देश की एक ऐसी घटना है जो आज तक जम्मू कश्मीर को हम अपने पूरे कब्जे में नहीं ले पाए हैं। जो कुछ लोग हैं, 10-5 लोग हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। तो देखिए, ये है एक खुशी का पल हमारे लिए, मेरी नज़र में ये एक बहुत खुशी का पल है, जिसमें हम जम्मू नगर के एक श्रीनगर के ऐतिहासिक हरि पर्वत किले पर तिरंगा झंडा, वो भी श्रीनगर कश्मीर का, श्रीनगर का सबसे ऊंचा झंडा फहराने वाले हैं। तो ये बहुत खुशी का पल है। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।